कोचिंग का एक मामला प्रकाश में आया था, क्या आया जांच रिपोर्ट में? या बता दें कि बरकट्ठा थानांतरा ग्राम बसरामू में शाहबुद्दीन नामक व्यक्ति मस्जिद में इमामत करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। दिनांक 30/6/24 को सुबह वो बसरामू से अपने घर जा रहे थे। उनका मकान हुआ रघुनियाडी, जयनगर थाना अंतर्गत पड़ता है। जाने क्रम में जो छुधरी कटिया है उससे पहले पक्की सड़क पर वो अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आती है। मेरे थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर रमेश हजाम छुतरी कटिया से पूर्वी हिस्सा में अवैध बालू की ढुलाई का जो बात आती थी पहले, तो उसको वेरीफाई के लिए गए थे। उस वेरीफिकेशन के बाद वो लौट रहे थे। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ये थाना प्रभारी बताते हैं कि उस व्यक्ति जो गिरे थे शाहबुद्दीन, उनका खून जस रिसाव होना शुरू हुआ था। वो घटनास्थल पर अपने सशस्त्र बल के साथ पहुंचे। उनके पहुंचते ही वहां पर बगल में जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, थाना पहुंचते ही वो लोग आए और उनके सहयोग से, जिसमें एक पप्पू यादव था, वो भी गाड़ी में साथ में उनके करके इलाज हेतु, चूँकि गंभीर चोट थी और सांस उनका ऊपर चल रहा था, वो जितना जल्दी चाह रहे थे कि उनको थाना पहुँचाए, हॉस्पिटल पहुँचाए, वो अपने गाड़ी में ही लोड करके वो सीधे बरकट्ठा हॉस्पिटल ले आते हैं। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि उनको बचा नहीं पाए। जी, ये पूरी तरह से उस समय प्रथम दृष्टया में ये रोड एक्सीडेंट ही लग रहा था, क्योंकि उस अंतरित जिस समय हुए थे शाहबुद्दीन, उसमें एक औरत अनीता देवी की चोट आई थी, जिससे वो जख्मी हो गए थे। थाना प्रभारी भी उसको भी इलाज के लिए बरकट्ठा लाना चाह रहे थे, लेकिन वो बताई कि हम अपना इलाज करा लेंगे। क्या यह मॉब लिंचिंग की घटना नहीं है? बिल्कुल अभी तक नहीं है, कहीं से ये बात नहीं आई है, क्योंकि इस केस में आवेदन जो मृतक के जो परिजन हैं या उनकी पत्नी जो आवेदन दी, जिसमें वो शक उनको लगा कि ये कहीं से भी मारपीट की घटना है और लिखित आवेदन दी, उसके आधार पर हम लोग बरकट्ठा थाना कांड संख्या 138 और 24 और न्यू धारा जो 138 है उसमें करके 103/2 BNS में उसको अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान का भार SP महोदय द्वारा मुझे दिया गया था। बैंड्स में मारने की बात का समय आया जी, ऐसा कोई बात नहीं है। अनुसंधान के क्रम में अनीता देवी, क्रिकेट खेल रहे हैं लोगों, टेम्पो ड्राइवर और आसपास के लोगों से मेरे द्वारा गहन रूप से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी तक कहीं से कोई बात इस तरह की नहीं आई कि मॉब लिंचिंग की घटना है। हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोड एक्सीडेंट की बात बताई जा रही है, जिसमें उनको सिर पर गहरी चोट लगी है। मृतक चूंकि हेलमेट नहीं पहने हुए थे, जिसके कारण उनको सिर में गंभीर चोट आई थी। देखिए, ये विगत 30 जून को एक घटना बरकट्ठा के अंतर्गत बसरामो गांव है, वहाँ पे एक साहिबुद्दीन पिता मदनी मियाँ जयनगर थाना और जिला कोडरमा के वो है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए और मस्जिद में इमामत करते थे, तो उस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। और कुछ सोर्सेज के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि शायद मॉब लिंचिंग की घटना है। इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने इस पर अपना अनुसंधान का इन्वेस्टिगेशन किया। अलग अलग माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय खुद स्थल पर गए थे और अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट आ गया है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ बताया गया है, हेड इंजरी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो कोई मॉब लिंचिंग का मामला नहीं बनता है और आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, वो की जाएगी। और बाकी जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें हम जो भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक दुखद घटना है, उनके परिवार को हम लोग सहयोग करने की पूरी कोशिश करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियरली कहता है कि हेड इंजरी की वजह से मृत्यु हुई है और इट सीम्स टू बी एन एक्सीडेंटल डेथ। हाँ, वो हम लोग जो भी सरकारी प्रावधान होंगे, रोड हमारा जो हिट एंड रन केसेस होते हैं या हमारे जो रोड के परिवहन विभाग के जो गाइडलाइंस हैं, उस हिसाब से जो भी बेनिफिट्स होंगे वो उनको होंगे।